आई बिलीव कि करंट अफेयर्स जो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हम एक मंथ की वीडियोस देख के कंप्लीट कर लेंगे, सिक्स मंथ की कोई वीडियो देख लेंगे और एक साथ कवर हो जाएगा, यही गलती मैंने की थी मेरे उस अटेम्प्ट में जिसमें मैं रिकमेंड हुई थी बट मैं मेरिट आउट हो गई थी। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को निगलेक्ट कर देते हैं और वो एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। वट आई थिंक इज़ कि अगर हम करंट अफेयर्स को डेली पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल योर चैनल वट इट इज़ प्रोवाइडिंग, कि डेली की डेली अगर आप इंस्टाग्राम हम सभी लोग यूज़ करते हैं और मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं किसी ऐसे पेज को फॉलो करूँ या मैं अपना टाइम किसी ऐसे पेज पर दूँ कि जिससे मेरा कुछ फ़ायदा हो, साथ ही साथ मेरी प्रिपरेशन होती रहे। तो मैंने नोटिफिकेशंस वगैरह आपकी ऑन कर दी, तो जब भी मुझे कोई भी पोस्ट दिख जाती थी तो मैं उससे थोड़ा बहुत पढ़ लेती, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता है या वो कीवर्ड्स रहते हैं या वो पिक्चर्स रहती हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये कहीं देखा हुआ है, ये कहीं पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को डेली करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए और इंग्लिश सेक्शन जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है।